इनकम एट क्लास ऑल्सो यू आर आर फाइन. टुडे वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.3. बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 3.3 वी लर्न अबाउट लॉज ऑफ लॉगरिथम. लॉज ऑफ लॉगरिथम आपके पास फोर लॉज हैं, नंबर 1, 2, 3 एंड 4. सबसे पहले फर्स्ट वाला देखें, लॉग एम एन. कोई से टू नंबर हैं, एम और एन वेरिएबल भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं. जब वो मल्टीप्लाई हो रहे हों और बाहर लॉग हो तो लॉग कैसे ओपन होता है? सबसे पहले हम लॉग अप्लाई करेंगे एम पे. अगर कोई से टू नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो हम सबसे पहले फर्स्ट वाले पे लॉग अप्लाई करेंगे. मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस पे, फिर देन हमने लॉग अप्लाई करना है एन के ऊपर. सेकंड देखें, कोई से टू नंबर या वेरिएबल हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो लॉग सबसे पहले न्यूमिनेटर पे अप्लाई होगा, मीन्स के लॉग एम. डिवाइड का साइन बाय को डिवाइड में कन्वर्ट करते हैं ना, तो बाय और डिवाइड जैसे भी कोई भी साइन हो तो हम बाय का साइन या डिवाइड का साइन कन्वर्ट करते हैं माइनस में, देन लॉग अप्लाई होता है. न्यूमिनेटर पहले अप्लाई हुआ फिर डिनोमिनेटर पर अप्लाई होगा तो लॉग ऑफ एन आएगा. नेक्स्ट आप देख लें, अगर आपके पास कोई एक नंबर है उसकी बेस है और ये पावर है तो पावर लॉग का रूल है कि पावर आती है स्टार्ट पे, लॉग अप्लाई होता है बेस के ऊपर. नेक्स्ट वाला देखें, लॉग ऑफ ए एन है, आपके पास बेस ए है तो हम कैसे इसको लिखा जाता है? लॉग अप्लाई करेंगे एन पे, बेस यहाँ पे ए, यहाँ पे ए की प्लेस पे आ रही है बी, यहाँ पे बेस ए थी यहाँ पे आगे बी. नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, लॉग ऑफ हमने यहाँ बेस बी यूज़ की थी, यहाँ पे लॉग बी पे अप्लाई होगा, बेस यहाँ पे आ जाएगी ए. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 के बने, राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस. आपने लॉग और सम और डिफरेंस की फॉर्म में लिखना है. फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं. आपके पास फोर्थ पार्ट गिवन है, लॉग क्यूब रूट ऑफ 7/15. कैसे करेंगे हम? लॉग लिखेंगे 7/15, लिखे क्यूब रूट को हमने पावर की फॉर्म में लिखना है, तो क्यूब रूट क्या होता है? 1/3. अब आपने लॉग अप्लाई करना है. लॉग अप्लाई करने से पहले लॉ जो है आपने लॉ सभी पढ़े हैं उनको देखते हैं. पावर जो है आपके पास हमेशा वो आती है स्टार्ट में, लॉग अप्लाई होता है बेस के ऊपर, तो बेस आपको क्या गिवन है? 7/15 गिवन है. अब हमने क्या है, हमारे पास जो है कोई से टू नंबर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, बाय का साइन है तो बाय का साइन हमेशा कन्वर्ट होता है माइनस में. हम क्या करेंगे? 1/3. हमने बिग ब्रैकेट यूज़ करनी है. लॉग पहले अप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर पे, लॉग पहले अप्लाई करेंगे 7 पे, बाय का साइन कन्वर्ट होगा माइनस पे, देन हमने लॉग अप्लाई करना है डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में क्या गिवन है? 15. यही इसका आंसर है. सेकेंड आप लोग सिक्स पार्ट की तरफ देखते हैं. हम इसको कैसे लिखेंगे सम और डिफरेंस की फॉर्म में? लॉग 25/47/29 है. सबसे पहले लॉग आपने अप्लाई करना है न्यूमिनेटर पे, देन बाय का साइन कन्वर्ट होगा माइनस में, लॉग अप्लाई होगा डिनोमिनेटर पे. जब हमने इस तरह से लिखा, अभी कोई से टू नंबर मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं तो अभी हमने इस ब्रैकेट को ओपन करना है. ब्रैकेट कैसे ओपन होगी? पहले लॉग अप्लाई होगा 25 पे, तो लॉस है लॉग का, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट होता है प्लस में, फिर लॉग अप्लाई होगा 47 पे, नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज. तो यही इसका आपके पास आंसर है. टू गिवन है, एक्सप्रेस लॉग ऑफ एक्स माइनस टू लॉग ऑफ एक्स प्लस थ्री, लॉग एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स के माइनस वन एज अ सिंगल लॉग रहता हूँ. आपको इन्होंने लॉग की फॉर्म में क्वेश्चन दे दी, कह रहे हैं सिंगल लॉग में कन्वर्ट करें. सोल्यूशन कैसे करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में आपने एज इट इज क्वेश्चन लिखना है. सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है? लॉग एक्स एज इट इज, आपके पास स्टार्ट में जो टू था लॉग से पहले वाली वैल्यू है, वो लॉग से पहले वाली वैल्यू को आपने कन्वर्ट कर देना है एक्सपोनेंट की फॉर्म में. एक्स के ऊपर पावर टू चली जाएगी प्लस थ्री, यहाँ पे भी लॉग किससे पहले? थ्री है. आपने क्या करना है? स्टार्ट वाली वैल्यू को एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो थ्री यहाँ पे पावर में चला जाएगा माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वन. आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी. सो आपने एक्स स्क्वायर माइनस वन को एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन की फॉर्म में लिखना है. देन आपने यहाँ पे क्या करना है, जो जहाँ जहाँ पे आपके पास प्लस वाली लॉग की वैल्यू थी, आप सबसे पहले प्लस वालों को लिखेंगे. सबसे पहले प्लस वाली वैल्यू ये है, सेकेंड ये है. तो सबसे पहले आपने लॉग ऑफ एक्स लिखा प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस वन का होल क्यूब लिखा. अब माइनस वाली वैल्यू कौन सी है? माइनस वाली वैल्यू सबसे पहले ये लिखी आपने, देन आपने लॉस वाली वैल्यू माइनस वाली ली थी. अब आप यहाँ पे देखिए, अगर दोनों साइड पे लॉग अप्लाई हो रहा है, बीच में प्लस का साइन है, तो प्लस के साइन को आपने क्या करना है? लॉग टू लॉग गिवन है, आपने वन लॉग में कन्वर्ट करना है. ब्रैकेट में आपने सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू एक्स लिखी, प्लस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, देन आपने एक्स प्लस वन का होल क्यूब लिखा माइनस. यहाँ पे आपके पास दोनों के हैं टर्म के साथ माइनस का साइन आ रहा है, यहाँ पे आपने माइनस का साइन कॉमन लिया. जब माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो आपने ब्रैकेट लगानी है लॉग एक्स के, जब माइनस का साइन कॉमन आता है साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का साइन कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, लॉग नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज. नेक्स्ट आपने क्या करना है, एक्स एज इट इज मल्टीप्लाई हो रही थी टर्म्स, तो आपने मल्टीप्लाई का साइन जो है वहाँ पे ब्रैकेट लगा दी है. नेक्स्ट आपने माइनस, आपके पास टू लॉग गिवन है, बीटे प्लस का साइन है, तो टू लॉग को कन्वर्ट करेंगे सिंगल लॉग में, प्लस का साइन जो है आपके पास कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में. फर्स्ट टर्म लिखी एक्स के, नेक्स्ट वाली टर्म एज इट इज. अब
आपके पास टू लॉग गिवन है, बीच में साइन है माइनस का, माइनस का साइन कन्वर्ट होता है बाय में डिवाइड में, तो टू लॉग की जगह आपके पास वन लॉग आएगा। सबसे पहले आप लोगों ने न्यूमिनेटर लिखा, या आपके पास न्यूमिनेटर है सारा, माइनस की जगह आपके पास बाय आ जाएगा, फिर आपने डिनोमिनेटर की सारी वैल्यू लिखनी है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, कोई टर्म कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करना है। देखिए एक्स, यहाँ पे एक्स की पावर टू है, यहाँ पे एक्स की पावर वन है, तो टू पावर कैंसिल हो जाएगी वन के साथ, तो एक एक्स कैंसिल हो गया। एक्स की पावर एक्स प्लस वन की होल पावर थ्री गिवन है, यहाँ पे एक्स प्लस वन की पावर वन है, तो एक आपके पास पावर कैंसिल होगी, तो थ्री कट हो जाएगा, टू रह जाएगा। आंसर आपके पास क्या आएगा, लॉग ऑफ एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया था, एक्स प्लस वन की होल पावर टू डिवाइडेड बाय नीचे एक्स, एक एक्स आपके पास आ रहा है और एक्स माइनस वन है, यही आपके पास आंसर है। फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम, सिंगल लॉगरिथम की आपने फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, लॉग 25 माइनस टू लॉग ऑफ 3, आपके पास टू लॉग गिवन है, सिंगल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने लॉग 25 एज इट इज लिखना है, माइनस स्टार्ट में जो आपके पास वैल्यू होती है वो पावर में जाती है, तो लॉग आपने लिख के 3 आपके पास पावर यहाँ चले जाएगी, 3 की पावर में ये वाला 2 आ जाएगा। अब आपने जब सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है तो आपने सिंगल लॉग लिखा, सबसे पहले फर्स्ट वाली वैल्यू लिखी है, माइनस का साइन कन्वर्ट होता है लॉग में बाय की फॉर्म में कन्वर्ट होता है, माइनस का साइन बाय में कन्वर्ट हो गया, आपने ये वाला लॉग नहीं लिखना। नेक्स्ट वाली आपने वैल्यू लिखनी है 3 की पावर 2, लॉग 5 प्लस लॉग 6 माइनस लॉग 2, आपने सिंगल लॉग में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को एज इट इज लिखेंगे, नेक्स्ट आपने इक्वल का साइन लेफ्ट साइड में मस्ट लगाना है। अब आप देख लें यहाँ पे सिंगल लॉग में जब कन्वर्ट करना है तो आपने जस्ट वन लॉग लिखा, यहाँ पे प्लस का साइन है, आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है 5, प्लस का साइन हमेशा कन्वर्ट होता है मल्टीप्लाई में, नेक्स्ट वैल्यू आप देखेंगे 6। नेक्स्ट है माइनस का साइन, माइनस का साइन कन्वर्ट होता है बाय में, आपने नेक्स्ट वैल्यू 2 को बाय के नीचे डिनोमिनेटर में लिखा, तो आंसर क्या आ गया, लॉग 5 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 2, यही आपके पास आंसर है। लॉग में आपके पास क्या है, मैंने आपको बता दिया है, अगर कोई से टू नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो कैसे होगा, लॉग पहले फर्स्ट वाले पे अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई का साइन कन्वर्ट होता है प्लस में, लॉग नेक्स्ट वाले पे अप्लाई होगा। नेक्स्ट आपको मैंने नेक्स्ट वाला क्या है, अगर आपके पास कोई से टू नंबर है, लॉग उनके साथ लिखा हुआ है और उनके दरमियान माइनस का साइन है, माइनस का साइन कन्वर्ट होगा बाय में, लॉग सिंगल आ जाएगा, टू माइनस का साइन कन्वर्ट होगा बाय में, नेक्स्ट वैल्यू आपके पास डिनोमिनेटर में आएगी।